निशा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम हरे रामा ओ राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम ओ राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम हरे राम करने के पश्चात दिव्य धाम को गमन कर गए थे और उसके बाद जितने भी मंदिर मठ थे सारी प्रजा समेत गमन कर गए थे और जितने भी मंदिर मठ थे सभी के सभी सरयू में समाहित हो गए थे। एक भूभाग बचा था और वो भूभाग क्या था? जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। कुछ वर्षों के पश्चात महाराजा कुश जो श्री राम जी के सपुत्र थे वो वापिस आए, कुश नगरी से वापिस आए और उन्होंने पत्थर नुमा खंभों से उस स्थान को चिन्हित किया और वहां पर भगवान श्री राम जी का
मंदिर का निर्माण किया कि यहां पर श्री राम जी का जन्म हुआ। उसके बाद समय बीतता गया और एक लुटेरा जब उसने लगा कि हिंदुओं की अपने धर्म के प्रति भगवान श्री राम जी के प्रति बहुत तगड़ी आस्था है, उसका नाम था सालासार मसूद। वो सबसे पहला बाबर पहले हमलावर नहीं था, सालासार मसूद ने हिंदुस्तान पर हमला करके सीधा अयोध्या को टारगेट किया और सारे जितने मंदिर कुश महाराज जी ने बनाए थे सबको ध्वस्त कर दिया और तोड़ दिया और विजय अभियान जारी रखा। और जो पत्थर नुमा खंभों से भगवान राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था उसको तोड़कर जब वो वापिस जा रहा था तो उत्तर प्रदेश में बहराइच एक स्थान है, बहराइच स्थान के पर हिंदू सम्राट को जब पता लगा, वो कुशल देव जी महाराज थे जिसका हमारे इतिहास में वर्णन नहीं है, बच्चों को पढ़ाया जाता, जब उसको पता लगा तो उसका खून खोल गया और वो फिर उसने जब उस सालासार मसूद के ऊपर हमला किया उसको कत्ल कर दिया। इतना कत्ल एक रात के अंदर कहते हैं कि कम से कम 125,000 आक्रमणकारियों को उसने कत्ल किया। सारे विश्व के अंदर बात चली गई कि भाई हिंदुस्तान के अंदर एक राजा सुहेल देव हिंदू राजा और इतना कत्लेआम मचाया, अगले 800-700-800 साल तक हिंदुस्तान पर किसी ने हमला नहीं किया, इतनी दहशत उसकी होगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाबर 1526 के अंदर आया, 1526-28 तक वो हिंदुस्तान में रहा और चार बार उन्होंने अयोध्या में हमले किया। एक 15 दिन की लड़ाई चली सर 28 के अंदर, 15 दिन तक कत्लेआम किया, 274,000 हिंदुओं ने शहादत दी, 274 यानी 3.5 लाख हिंदू मरे किसके लिए, मंदिर निर्माण के लिए। और उस टाइम संत महेश आश्रम जी ऐसे संत उठे और हंसराज की जो हंसराज जो एक राजा था उसकी रानी जय राजकुमारी उसका राजा रणविजय सिंह ये इकट्ठे होकर उसका सामना किया। हुमायूं के बाद अकबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं ने 10 बार हमला किया, तब मेसाश्रम फिर एक बार मैदान के अंदर उतरे, जय कुमारी जिनके पति शहीद हो गए थे वो फिर मैदान में आई और उसके बाद फिर अकबर का जमाना आया जिसको हम कहते। हमारे साथ हैं भारत विकास परिषद के संदीप पुरोहित। संदीप पुरोहित जी कैसा आनंद आ रहा है? जय श्री राम, आनंदमय है इस समय सिडोरा के हर गली हर मोहल्ले में इस समय राम राम की धुन चल रही है। ये सिर्फ अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का भव्य रामलला मंदिर बनने जा रहा है उसकी खुशी में इस समय सिडोरा में पूरे सिडोरा में सुबह के समय प्रभात फेरी चल रही है। मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम पानी ना भर जाए तो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम भाई इसको भी खा लिया कर सकता कृष्ण हरे हरे बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय।
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वाह जी वाह, जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं हमारा दिल भी घटता जा रहा है। वाह जी वाह, जय श्री राम। जय। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। हम तो अयोध्या में पहुंच गए। ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमलेश जी बताइए जी, कैसा आनंद आ रहा है जी आपको? बहुत आनंद आ रहा है जी। अच्छा रोज चलनी चाहिए? हाँ जी रोज चलनी चाहिए। अच्छा खीर का प्रसाद चलनी चाहिए? अच्छा खीर, खीर और ब्रेड का प्रसाद भी आज मिला है आपको? बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया रहा। वाह जी वाह, का महीना पूरा चलता रहे हमारे। वाह जी वाह 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 जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। शिव मंदिर में भागवत कथा सप्ताह चल रहा था, बहुत सुंदर कथा हुई। और पहले ही दिन से हम श्री राम मंदिर गगड़वाला से चले थे और वहां की संगत हमारे साथ साथ है, और उसके बाद जो भी संगत जुड़ी वो हटी नहीं। आज आपने देखा होगा कितनी बारिश में भी सारी संगत झुकी तू है। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय जय श्री राम। आज हमारा यहाँ दुर्गा मंदिर में विश्राम है। कल ये जो प्रभात फेरी है सुबह 6:30 बजे दुर्गा मंदिर पे ही असेंबल होगी और हम लोग यहाँ से चलेंगे और श्री नगर खेड़ा वहां तक ये प्रभात फेरी जाएगी। तो जो जो भी लोग आप सुन रहे हो अधिक से अधिक संख्या में कल सुबह 6:30 बजे यहाँ पर जिस स्थान पर हम खड़े हैं श्री दुर्गा मंदिर में पहुंचे। आप सभी को राम मंदिर निर्माण की बधाई और सभी देशवासियों की यही इच्छा थी कि प्रभु राम जी का मंदिर अयोध्या में बने, जिसका निर्माण आप सभी के प्रयासों से, आप सभी के संघर्ष से जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो ये जोश आज है यही जोश सदा रहे, और जब भी कभी प्रभु राम का काज हो, कभी भी ऐसी सेवा की आवश्यकता हो, तो इसी प्रकार से हमारे नवयुवक इस काम में लगे। पूरा शहर, पूरा इलाका इस बात से हर्षित है कि प्रभु राम जी का रामलला का शायद हमारे हिंदुस्तान के एक ही ऐसा मंदिर होगा जिसमें प्रभु जी की बाल मूर्ति होगी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, इसमें सहयोग दें। इसमें जिस भी प्रकार का निधि समर्पण जो भी है तत्पर धन से सेवा करें, यही मेरा आग्रह है। अब कल मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कल सवेरे नगर खेड़ा में आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे,